कांग्रेस आलाकमान ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों के साथ खुद अपनी सीट गंवा देने वाले टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सिंहदेव को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद सिंहदेव ने कहा कि भारत के सपने न्याय की पटकथा लिखने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है। इसके साथ सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है, साथ ही कांग्रेस के इस फैसले के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस आलाकमान ने सिंहदेव पर क्यों भरोसा जताया। मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को दरकिनार कर कांग्रेस आलाकमान ने सिंहदेव को जो ये जिम्मेदारी सौंपी है उससे साफ है कि कांग्रेस उनकी कीमत और अहमियत समझती है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे। समाज के सभी वर्गों से बात कर और पूरे प्रदेश का दौरा कर उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था। उनके घोषणा पत्र का ही कमाल था कि कांग्रेस की झोली में 67 सीटें आई और 15 साल से सत्ता में रही भाजपा बाहर हो गई। खैर, सिंहदेव को तवज्जो मिलने की शुरुआत तभी से हो गई थी जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री की बात खूब चर्चा में रही। चर्चा इतनी तेज हो गई कि भूपेश बघेल के समर्थक मंत्री और विधायक ताकत दिखाने दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन तब भी सिंहदेव शांत रहे। इसका इनाम उन्हें चुनाव से 6 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाकर दिया गया। फिर कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में सबसे अहम ओहदा और जिम्मेदारी सौंपी। रायपुर से दिल्ली तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार लौटी तो सिंहदेव शायद सीएम हो सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच कई मौकों पर सिंहदेव और भूपेश बघेल की दूरियां भी देखने को मिली। सिंहदेव को सीएम न बनाने की नाराजगी सरगुजा संभाग में शुरू से थी और इसी का नतीजा निकला कि सिंहदेव तो अपनी सीट हारे ही हारे, साथ ही संभाग की सभी 14 सीटें कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। चुनाव के बाद हारे प्रत्याशी और पुराने विधायक मुंह खोल रहे हैं तो कांग्रेस के भीतर घात की बात सामने आने लगी है। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के साथ खुद अपना चुनाव हारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पद पर बनाए रखा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी बनाया गया है। अब सिंहदेव को भी नई जिम्मेदारी दे दी गई है। देखने वाली बात होगी कि सिंहदेव अपनी ये जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय जोहार।